नमस्ते दोस्तों, टेस्टिस में दर्द, गोलियों में दर्द, अंडकोश में दर्द काफी परेशान कर देता है मरीजों को। टेस्टिस एक बड़ा ही सेंसिटिव ऑर्गन है, शरीर में कहीं पर और दर्द हो फिर भी मरीज मैनेज कर लेता है, पर अगर गोलियों में दर्द है तो पेशेंट की चीख निकल जाती है। दर्द ज्यादा भी हो सकता है, दर्द कम भी हो सकता है, दर्द हो सकता है कि बहुत हल्का फुल्का हो, दर्द हो सकता है कि बहुत तेज हो सकता है सुबह हो सकता है शाम को हो, पर जब भी गोलियों में दर्द होता है तो एक मर्द ही पहचान सकता है, महसूस कर सकता है कि वो पेन कितना इरिटेटिंग हो सकता है। काम में फर्क पड़ता है, सेक्स में फर्क पड़ता है, पेशाब में फर्क पड़ता है, डेली लाइफ में फर्क पड़ता है, और मरीज टेस्टिस के दर्द के लिए परेशान रहते हैं। आज का वीडियो है टेस्टिस के दर्द के साथ कॉमन कारण। देखिए इस वीडियो को, वीडियो का आखिर देखिए, मैं आपको टेस्टिस में दर्द के साथ कॉमन कारण बताऊंगा। जब तक आप कारण आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप इलाज नहीं ढूंढ सकते। पहले जानना जरूरी है कि आपको कारण क्या है और कारण के बेसिस पे फिर उसका इलाज होगा। टेस्टिस का दर्द इतना कॉमन है और इतना ज्यादा मिसडायग्नोज्ड है, उस पर एंटीबायोटिक चलती रहती है, दवाई चलती रहती है, पेशेंट को रिलीफ लॉन्ग टर्म नहीं मिलता। तो आज का टॉपिक जरूरी है देखना, और इस टॉपिक से आपके काफी डाउट्स क्लियर होंगे। एक स्टार्टिंग में बोल रहा हूं कि टेस्टिस का हर दर्द कैंसर नहीं होता। मेरा बहुत पेशेंट आते हैं, सर दर्द हो रहा है क्या, कैंसर तो नहीं है? टेस्टिस कैंसर इवन दो क्योरेबल है, इवन दो यंग लोगों में होता है, पर टेस्टिस कैंसर में यूजुअली दर्द नहीं होता। टेस्टिस कैंसर में यूजुअली स्वेलिंग होती है। अगर आपको टेस्टिस में पेन हो रहा है तो हाई चांसेस ये है कि आपको कैंसर नहीं है, हाई चांसेस ये है कि आपको नॉन कैंसरस कोई की बीमारी होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको टेस्टिस कैंसर के कारण बताऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे वेरिकोसील, एपिडिडिमाइटिस, टॉर्जन, एपिडिडिमल सिस्ट, आपके जो टेस्टिकुलर न्यूरालजिया है और टेस्टिकुलर ट्यूमर्स है, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। मैं डॉक्टर विजन कुमार गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट या पुरुष रोग विशेषज्ञ। मैं मेंस हेल्थ के ऊपर एक चैनल बना के चलता हूँ। इस चैनल पर मैं आपको मेंस हेल्थ या एंड्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट अच्छी जानकारी, साइंटिफिक जानकारी देता हूँ। कोशिश रहती है कि हर टॉपिक को बहुत डिटेल में बनाया जाए, हर टॉपिक को ब्रेक डाउन किया जाए सिंपल पार्ट्स में, ताकि आप तक सही नॉलेज पहुंचे। सही नॉलेज मिलेगी तो ही इलाज अच्छा होगा, अच्छा इलाज होगा तभी आप ठीक होंगे। तो अच्छे इलाज के लिए और अच्छी नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा इंग्लिश चैनल है जिसको डॉक्टर वीजी गुप्ता सर्जन बोलते हैं। उस इंग्लिश चैनल पे मैं जितनी भी सर्जरीज करता हूँ उनकी लाइव वीडियोस होती है। टेस्टिस कैंसर की सर्जरी, एपिडिडिमिस की सर्जरी, वेरिकोसील की सर्जरी, वास की सर्जरी, वैसेक्टमी की सर्जरी कैसे होती है, मेरे हाथ से कैसे होती है, दिखती कैसे है, पोस्ट ऑपरेटिव कैसा है, उस चैनल पे काफी डिटेल है। उसको सब्सक्राइब करेंगे, लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए शुरू करें। कारण वन, पहला कारण है वेरिकोसील। वेरिकोसील बहुत कॉमन है, हर वेरिकोसील से पेन नहीं होता। वेरिकोसील मतलब कि जो टेस्टिस की नसें हैं उनमें सूजन आ गई है। जो टेस्टिस की जो ब्लड सप्लाई है दो तरह की होती है, आर्टरी जो ब्लड लेके जा रही है, वेन्स जो ब्लड लेके जा रही है। अगर इन वेन्स के वॉल्व खराब हो जाए किसी भी कारण से तो इन वेन्स के अंदर खून का जमाव हो जाता है। ये नसों के गुच्छे टेस्टिस से महसूस होते हैं। मरीज को हमेशा लटकन, भारीपन रहता है। जब काम करते हैं, हैवी वर्क करते हैं, चलते हैं तो दर्द बढ़ता है। क्लासिकल तरीका यह है वेरिकोसील का, कि वेरिकोसील में एक गोली छोटी लगती है, नसों गुच्छा लगता है, चलने में डिफिकल्टी रहती है और मरीजों को काफी पेन या प्रॉब्लम हो सकती है। वेरिकोसील का इलाज सिंपल है। वेरिकोसील की मेरी एक सेपरेट वीडियो है, सेपरेट वीडियो क्या है, सेपरेट प्ले लिस्ट है, लिंक नीचे दिया गया है। वेरिकोसील के बारे में बहुत डिटेल में नॉलेज है, उसको देखिए। वेरिकोसील डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड सबसे जरूरी है। वैसे अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम का एक ऐसा टेस्ट है जो आपको इमीडिएटली बता सकता है कि आपको दिक्कत है या नहीं, पर अल्ट्रासाउंड अच्छी जगह किया गया हो, प्रॉपरली किया गया हो जरूरी है, और अल्ट्रासाउंड को पढ़ने वाला डॉक्टर क्वालिफाइड हो भी जरूरी है। कई बार अल्ट्रासाउंड में सिस्ट बोलते हैं होता हाइड्रोसील है, हाइड्रोसील बोलते हैं होता हर्निया है, तो अच्छी जगह से अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी है। कॉज टू, एपिडिडिमाइटिस। जो हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस नॉर्मली भगवान ने बहुत सेफ बनाया है। टेस्टिस में सूजन, टेस्टिस में इन्फेक्शन यूजली होता है। इन्फेक्शन नॉर्मली एपिडिडिमिस में होता है। एपिडिडिमिस टेस्टिस के ऊपर लगा एक ग्रंथि है जिसके अंदर स्पर्म स्टोर होता है। इसके अंदर नॉर्मली इन्फेक्शन आता है। ये इन्फेक्शन या तो आ सकता है पेशाब के बाद इमीडिएटली मास्टरबेशन करने से, जिसमें जो आपका जो जब रास्ता खोला है उसमें पेशाब चढ़ जाए, या आपके पेशाब के लिंक के रास्ते से आया हुआ इन्फेक्शन, या खून के द्वारा आया हुआ इन्फेक्शन। टेस्टिस सूज जाता है, पेन करता है, गांठें बन जाती है, टेस्टिस को डैमेज कर सकता है। एपिडिडिमाइटिस क्रॉनिक हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, टीबी हो सकता है, वायरल हो सकता है। तो एपिडिडिमाइटिस काफी कॉमन है। एपिडिडिमाइटिस में पहला कॉज ढूंढना है कि आया कहां से इन्फेक्शन, लिंग से आया है, प्रोस्टेट से आया है या ब्लड से आया है, कितना डैमेज हुआ है, क्या वो रिकवर हो सकता है, कौन सी दवाई दे, और उसके बाद एपिडिडिमाइटिस को हम अच्छे से मैनेज
कर सकते हैं। थर्ड सिस्ट, एपिडिडिमल सिस्ट, टेस्टिस के अंदर सिस्ट बन सकते हैं। सिस्ट मतलब पानी की गांठें। इन पानी की गांठों में हो सकता है स्पर्म हो, इन पानी की गांठों में हो सकता है सिर्फ पानी हो। ये एपिडिडिमल सिस्ट बहुत कॉमन होते हैं। अगर ये 1 सेंटीमीटर से छोटे हैं तो इनमें इंटरवेंशन नहीं करते। बहुत जरूरी है कि एपिडिडिमल सिस्ट के अंदर हम ये जांच लें कि मरीज का स्पर्म काउंट कितना है और उस मरीज के बच्चे हैं या नहीं। एपिडिडिमल सिस्ट में पेन है तो उसका पानी निकाल सकते हैं, सर्जरी से बंद कर सकते हैं, दवाइयां ट्राई कर सकते हैं, पर अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट नहीं है तो टेस्टिस में कोई भी इंटरवेंशन करने से पहले बहुत बहुत केयरफुली 10 बार सोचना जरूरी है, क्योंकि टेस्टिस एक एंडोक्राइन ऑर्गन है। फिर बता रहा हूं, टेस्टिस सिर्फ स्पर्म बनाने का काम नहीं करता, टेस्टिस एक एंडोक्राइन ऑर्गन है। टेस्टिस का काम टेस्टोस्टेरोन बनाना है, टेस्टिस का काम मर्दानापन देना है, टेस्टिस का काम मरीज को, मर्द को ताकत देना है। तो टेस्टिस में कुछ भी डैमेज होगा तो बहुत लंबे टाइम दिक्कत करेगा, तो टेस्टिस में बहुत ध्यान से बढ़ना है। चौथा, हाइड्रोसिलो हर्निया। अगर टेस्टिस के अराउंड अंडकोश के अंदर पानी भर जाए तो उसको हाइड्रोसिल बोलते हैं, और अगर पेट के छेद में से आंत निकल के आंत घुस जाए तो उसको हर्निया बोलते हैं। दोनों में टेस्टिस फूल जाता है, क्रॉनिक ड्रैगिंग सेंसेशन या पेन होता है, टेस्टिस का साइज बढ़ जाता है, पर ये जो पानी है या जो ये आंते हैं ये टेस्टिस से नहीं आती है, टेस्टिस के ऊपर प्रेशर डालती है। अगर इस पानी को निकाल दिया जाए या आंतों को पेट में डाल दिया जाए हाइड्रोसिलिया हर्निया का ऑपरेशन करके, तो टेस्टिस के ऊपर जो एक क्रॉनिक वेट है, तो आप सोचिए आपके ऊपर कोई हमेशा 10 किलो वजन डले तो पेन करेगा। तो अगर टेस्टिस में भी ऐसे हाइड्रोसिलिया हर्निया की वजह से हमेशा एक वजन रहेगा, हमेशा एक भारीपन रहेगा, हमेशा एक कोई एक्स्ट्रा चीज रहेगी, तो ये दिक्कत करेगी। हाइड्रोसील हो या चाहे हर्निया हो, दोनों का ट्रीटमेंट सिंपल है। हर्निया है तो लैप्रोस्कोपिक रिपेयर है, हाइड्रोसील है तो पानी निकाल देंगे, काम खत्म हुआ, पेन खत्म हुआ। पर यह भी अगेन जो है प्रॉपरली सोच समझ के, माइल्ड हाइड्रोसील है, माइल्ड हर्निया है, ग्रेड 1 हाइड्रोसील है, थोड़ा सा इंसिपिएंट हर्निया है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, पर एवैल्यूएशन करके पता करना जरूरी है। फिर न्यूरालजिया ऑफ अननोन कॉज, सबसे कॉमन कॉज, पेशेंट का पेन क्रॉनिक रहता है, कोई ना कोई नर्व होती है, नस होती है, टेस्टिस लटके हुए हैं। बॉडी में बाकी हर ऑर्गन को भगवान ने सपोर्ट दिया है, सपोर्ट दिया है मतलब जगह दी है, टेस्टिस को भगवान ने हवा में छोड़ दिया, लटके हुए हैं, चल रहे हो, लंगोट नहीं बांध रहे, मोटरसाइकिल पे बैठे हो, क्रॉनिक काम कर रहे हो, तो कोई ना कोई नस खींच सकती है। नस खींचने से टेस्टिस में पेन होता है, ये पेन चाहे तो पेट में चढ़े, ये पेन चाहे तो पैरों में जाए, तो टेस्टिस में क्रॉनिक न्यूरालजिया डेवलप करना बहुत कॉमन है। कई बार ये न्यूरालजिया सर्जरी करने के बाद भी रहता है, कई बार सर्जरी करने से हो जाता है, वेरिकोसिल सर्जरी हुई पेन डेवलप हो गया, हर्निया सर्जरी हुई पेन डेवलप हो गया, हाइड्रोसिल सर्जरी हुई पेन डेवलप हो गया, नसबंदी हुई पेन डेवलप हो गया। तो न्यूरालजिया कई कारण होते हैं, पहले कॉज ढूंढो, कॉज ना मिले तो दवाई ट्राई करो, दवाई ना लगे तो उसमें इंजेक्शन थेरेपी होती है, इंजेक्शन लगा के स्टेरॉइड के या पेन किलर्स के सही नस में लगा के काफी लॉन्ग समय तक टेस्टिस को सेफ रखते हुए पेन में रिलीफ मिल सकता है। तो ये हो गए मोटे मोटे कारण टेस्टिस पेन के जो कॉमन है। 99% लोगों में इनमें से कोई कारण होगा। अल्ट्रासाउंड से, प्रॉपर ट्रीटमेंट से, प्रॉपर डायग्नोसिस से मरीजों को काफी अच्छा लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। पर 2-3 कॉजेज ऐसे हैं जो रेयर है। ट्यूबरक्लोसिस, हमारे देश में टीबी बहुत कॉमन है, छाती का टीबी है तो गोली में जा सकता है, गोली खराब कर सकता है, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, बच्चे करने में दिक्कत कर सकता है, तो वो अर्ली पकड़ना और उसकी अर्ली इलाज जरूरी है। टेस्टिस कैंसर या टेस्टिकुलर ट्यूमर, अगेन पेन नहीं करते पर रेयरली बहुत बड़े हो जाए या कोई नस को इन्वॉल्व कर ले तो पेन कर सकते हैं, तो अल्ट्रासाउंड और हार्मोन मार्कर्स चेक करके टेस्टिस ट्यूमर रूल आउट करना भी अगेन बहुत जरूरी है। अनकॉमन कॉज है पर जरूरी है रूल आउट करना। अगर आपको टेस्टिस में पेन है तो देसी दवाई का ट्राई करने से पहले अपने क्लिनिक के पास, अपने घर के पास किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर दिल्ली या आसपास क्षेत्रों में रहते हैं तो क्लिनिक पे आके भी इलाज होगा। तो टेस्टिस के ये अनकॉमन कॉजेज रूल आउट करना, कॉमन कॉज रूल आउट करने के बाद 99% लोगों को टेस्टिस के पेन में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिलीफ मिल सकता है। तो अगर आप टेस्टिस के पेन से ग्रस्त है तो वीडियो को देखा होगा, काफी कुछ समझ में आया होगा, और डिटेल चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियोस है प्लेलिस्ट में, उन्हें देखिए, आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखने के लिए थैंक यू, आपके प्यार के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड कीप हेल्दी।